वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन किया है यूज़ फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, और ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन मैथड को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर राइट कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर है, माइनस वाई है, देन हमारे पास प्लस वन बाय फोर एक्स स्क्वायर। फैक्टराइजेशन आपने जो है मेथड इस पर अप्लाई करना है। फैक्टराइजेशन मेथड एक तो ये होता है ना कि आप क्या करो, इसको राइट करो और इसको राइट करो, देन आपने सेंटर में टू टर्म्स ऐसी लो जिनको सॉल्व करो तो सेंटर वाली टर्म है, उनकी इन्हीं को मल्टीप्लाई करो तो वो है जो साइड वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं सिंपल यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि फार्मूला जो होता नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो आपने इसको इस वाली फॉर्म में लेके आना है। बट जब ये वाली फॉर्म आ जाएगी उसके बाद हम इसको इस तरह से क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको जो है हम इस तरह की फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, हमें ए स्क्वायर चाहिए तो ये ए कर लो किस तरह से, अगर हम एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं तो वो ये चीज़ बन जाएगी। फिर लास्ट इसको भी छोड़ दो, इस लास्ट पर आ जाओ, प्लस का साइन है वो लगा लो, वन बाय फोर एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इस तरह से राइट कर दें वन बाई टू एक्स का होल स्क्वायर कर दें तो वो वन बाई फोर एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यस ठीक है, इसका होल स्क्वायर इसके इक्वल है, तो यस हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जैसे इधर बी स्क्वायर था, अब यहाँ पर क्या है, माइनस है साइन, तो माइनस लगाएंगे टू फॉर्मूले का आ जाएगा। जैसे इधर है ए, ये आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इधर। ठीक है ना, ये आप बस ये है, ये बी है, तो देखो ये जो चीज़ है ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने ये अगर सीखा है, नहीं भी सीखा तो आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए कि इसको होल स्क्वायर कर लो और इसको होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, फिर सेंटर में जो भी इधर साइन है वो लगाओ और टू फॉर्मूले का लगा दो। ठीक है, ये इधर लिख दो और ये इधर लिख दो, सिंपल। अब इसके बाद क्लोज किस तरह करना है, ये ओपन है, इसको क्लोज इस तरह से करना है कि मतलब ये ए और बी ले लो। ठीक है, ये सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, ये और ये ले लो, जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना दोनों को एक ब्रैकेट में राइट कर दो, जस्ट ये काम करना है आपने, और होल स्क्वायर कर देना, बिकॉज इधर भी स्क्वायर है, तो आपने क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। कर दिया, और साइन कौन सा आएगा ये मैटर करता है, तो ये याद रखना है। तो साइन इधर कौन सा आता है, वो आता है जो इधर होता है, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको राइट करो, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो इसको राइट करके ना इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लो और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लो। इसके ऊपर क्या है, ये ब्रैकेट में होल का स्क्वायर, यहाँ पे राइट भी कर सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है, और फिर आपको पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और जो भी है हमारे पास ये बाहर आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट तो अब कैंसिल हो गया, जस्ट जो रह गया है ना ये ब्रैकेट के अंदर है वो हमारे पास है, तो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट ही आएगा इसका, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ये तो है ही कुछ नहीं, मतलब होल का स्क्वायर नहीं है ना, वरना इधर भी, और इसी का तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है ना, इसी का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो किसके इक्वल आ गया, एक्स माइनस वन बाई टू एक्स का, तो इसका स्क्वायर रूट इसके इक्वल हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। अगेन आप देख सकते हो क्या करना है, सबसे पहले इसको फर्स्ट टर्म वैसे ही राइट कर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर राइट कर दिया। ठीक है, फिर इधर साइन माइनस का वो लगा दो, टू फॉर्मूले का लगा दो, इसको इधर और इसको इधर, सिंपल। बाद में क्लोज किस तरह से करना है, फर्स्ट और सेकेंड जो लास्ट है दोनों को, फर्स्ट और लास्ट को टर्म्स को दोनों को राइट कर लो और उसका होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो क्वेश्चन है गिवन जिसका स्क्वायर रूट करना है वो राइट करो यहाँ पर, और उसके बाद इधर ये राइट करो। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, तो ये एज इट आएगा और इसको स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। तो ये क्या हो गया, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था जिसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास आंसर आ गया कि ये एक्स माइनस वन बाई टू एक्स के इक्वल है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो। होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई है, यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो, इसके अलावा प्लेलिस्ट से भी जाके चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के नेम से, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। और हमने यहाँ पर क्या लगा देना, इसको ब्रैकेट में करके ना प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा।